सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। दोस्तों मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल द फ्रंट। इस वक्त हम आपसे जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर है, बहुत ज्यादा गंभीर इस मामले में है क्योंकि हम देश की राजधानी दिल्ली में हैं। दिल्ली और आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पोल्यूशन का जो लेवल है, प्रदूषण का जो स्तर है वो इतने खतरनाक स्तर पे पहुँच चुका है। दिल्ली का वातावरण जो है वो इतना जहरीला हो चुका है कि आप अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। हालात आपातकाल जैसी बन चुकी है, अब घर से निकलना आपके लिए दुभर हो चुका है। बच्चों के लिए स्कूल बंद किए जा चुके हैं, तमाम एडवाइजरी जारी की गई है। और मैं आपको ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि दिल्ली में जो पोल्यूशन का लेवल है वो बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुँच चुका है। दिल्ली का जो एक्यूआई है, एक्यूआई इसका मतलब है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि वातावरण में हवा को कितनी दूषित है इसको मापने के लिए जो एक इंडेक्स बनाया गया है, एक मानक बनाया गया है, उसके लिहाज से दिल्ली की हवा इस वक्त सांस लेने लायक नहीं रह गई है। मैं आपको बताऊं, 0 से लेकर के 50 तक का एयर क्वालिटी इंडेक्स में 0 से लेकर के 50 तक का जो मानक तय किया गया है ये एकदम शुद्ध हवा के लिए होता है। ऐसे में आपको आपके शरीर पे, आपके स्वास्थ्य पे कोई असर नहीं पड़ता है, आप बिल्कुल निश्चिंत और एक स्वच्छ हवा लेते हैं और स्वच्छ तरीके से आप जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन यही आंकड़ा अगर 50 से 51 से 100 तक का होता है तो भी आपके लिए थोड़ा सा ठीक है, आपके स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। लेकिन जब ये एक्यूआई 101 से लेकर के 200 के आंकड़े पे रहता है तो आपके स्वास्थ्य पे असर होना शुरू कर देता है, यानी जो अस्थमा टाइप के मरीज हैं जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है उन्हें थोड़ी बहुत तकलीफ होनी शुरू हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक ऐसे ही जब ये पोल्यूशन लेवल 300 से ऊपर जाता है तो नॉर्मल लोगों को भी थोड़ी थोड़ी समस्याएं होने लगती हैं, लेकिन जब ये 400 से ऊपर जाता है तो हालात गंभीर कहने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं और 500 की स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि आप घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दिल्ली और NCR की हालत इस वक्त यही है। मैं आपको बता दूं, दिल्ली के कई इलाकों में, चांदनी चौक में, लोधी कॉलोनी में, फरीदाबाद में, आसपास के जो इलाके हैं, नोएडा में, गाजियाबाद में, इस वक्त AQI जो है वो 600 से ऊपर पहुंच गया है, यानी कि यहाँ सांस लेना दुभर हो गया है। आपको सरकार की तरफ से भी लगातार एडवाइजरी जारी की गई है, बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर आप ऐसी हालत में जीने को मजबूर हैं तो आप क्या करेंगे, कैसे अपना बचाव करेंगे? तो कुछ चीज़ें आपके लिए जाननी जरूरी है कि आप क्या करें। सबसे जरूरी है कि ऐसे वातावरण में जबकि आप देख रहे हैं कि आप सांस नहीं ले सकते हैं, आपको कहीं भी देखिए सन कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, सूरज कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। दिल्ली में इस वक्त जो है सुबह का समय है, लेकिन सुबह के इस वक्त में आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि चारों तरफ धुंध ही धुंध छाई हुई है, कहीं भी कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, विजिबिलिटी कम हो गई है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। ऐसे में अगर ज़रूरत ना हो तो आप अपने घर से ना निकलें, सबसे ज़रूरी है। बच्चों को तो कतई ना निकलने दें, बच्चों को पार्क में खेलने से मना करें, उनको इस वक्त साइकिलिंग करने से मना करें, उनको बाहर जाकर के क्रिकेट खेलने से मना करें, फुटबॉल खेलने से मना करें, हॉकी खेलने से मना करें, क्योंकि ऐसे में जब ये बच्चे दौड़ के खेलेंगे तो वो ज़्यादा तेज़ी से सांस लेंगे और जब ज़्यादा तेज़ी से सांस लेंगे तो ये प्रदूषित हवा जो है ज़्यादा उनके अंदर जाएगी और ये उनको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐसे में आप अपने बच्चों को अपने घर पे रखें, इंडोर गेम्स के लिए उनको प्रोत्साहित करें इस वक्त, खुद भी ना ज़रूरत ना हो तो आप खुद भी बाहर ना निकलें। दूसरी चीज़, अगर बहुत ज़रूरी है आपका घर से निकलना तो घर से, घर के अंदर आते ही अपनी आँखों को पानी से धोएं, ठंडे पानी से धोएं, अपने नाक साफ करें, कानों को साफ करें, आँखों को जितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सकता है उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से साफ करें, ये बहुत ज़रूरी है। गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, जब भी आप पानी पिएं थोड़ा सा गुनगुना पानी पिएं, जिनको सांस लेने की तकलीफ़ हो रही है उनके लिए ये बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा और कुछ उपाय हो सकते हैं जो देसी उपाय हो सकते हैं जिनको आप घर में बैठे कर सकते हैं, आप शहद ले सकते हैं, अदरक वाला पानी ले सकते हैं या अदरक वाली चाय ले सकते हैं।
तो दोस्तों, पोल्यूशन के इस खतरनाक लेवल से जूझने के लिए हम मजबूर हैं और इस मजबूरी में अपने आप को बचाए रखना हमारे और आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो अपने आप अपना बचाव करें, इस वातावरण में, ऐसे वातावरण में जरूरत ना हो तो घर से ना निकलें। हालांकि ये पोल्यूशन जो है ये भी हमारे और आपके जैसे लोगों की ही देन है। आपने देखा होगा सरकार ने तमाम एडवाइजरी जारी की, सरकार ने तमाम अपील की, कई सारी एनजीओ ने अपील की। हम और आप रोज ये सुनते हैं, ये जानते हैं कि इस पोल्यूशन से हमें किस किस तरह की तकलीफ होती है, लेकिन दिवाली में पटाखे ना चलाए जाने की अपील को आप और हमने किसी ने नहीं माना। तो जरूरत जिंदगी बचाए रखने की है, जिंदगी रहेगी तो जश्न बहुत होगा। धन्यवाद।